नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी साध और आप देख रहे हैं इंडिया दी बुसोनी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिला पपरेंदा में एक मंडल की बैठक हुई, जहां पे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री उपस्थित रहे। साथ ही जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिपाठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र जायसवाल, पैलानी मंडल अध्यक्ष अमित निगम, संयोजक, बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ता सभी उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा माननीय मंत्री जी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बूथ अध्यक्ष, संयोजक, कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित पदाधिकारियों का भी यहां फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहां पे कामकाज की चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर किस तरह से सबको अपना दायित्व निभाना है और किस तरह से काम करना है। तो माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री जी ने सभी बूथ अध्यक्ष, संयोजक सभी के साथ वार्तालाप की कि आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतम नववर्ष पूर्ण होने पर मंडल पैलानी में आयोजित बैठक में उपस्थिति हमारे मुख्य अतिथि के रूप में तिलवाड़ी विधानसभा से लोकप्रिय, जनप्रिय, सरल स्वभाव विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय श्री मुख्य वक्ता के रूप में जिले के उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, शैलेंद्र जायसवाल जी भाई साहब, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष बड़ोखा, बूथ अध्यक्ष का मैं आप सबका प्रणाम करके हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अगर इसी बात के भारतीय जनता पार्टी सौभाग्य की हमारी जनता से हमारी जनता की सेवा करते रहे, आज अभी हो गई है हमारे वरिष्ठ नेता आपको उनकी सरकारों से हमारी सरकारें भिन्न है। एक बार जनता के बीच में जाना है तो आप फलाने धर्म में हमको 19 में वोट दिया, आपने जो जो काम किए हैं ऐसे में अपने मंडल में निवास करने को मोर्चा के राहुल जी अपने पहले से अपने आपके चर्चा को दुरुस्त कर लीजिए, उनके विशिष्ट परिवारों की सूची तैयार करना है। सूची कोई अच्छे संत है, कोई अच्छे विचार निवास करते हैं तो उनकी सूची जरूर। जब प्रतिबंध लगा दिया आशुतोष मुखर्जी जी बन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का था, इस देश का दुर्भाग रहा, तो हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए खोया। जब कांग्रेस ही कहते हैं माता की आज मंडल पैलानी की कामकाजी बैठक में हमारे जिले के उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, मंडल अध्यक्ष अमित निगम जी, हमारे वरिष्ठ नेता शैलेंद्र जायसवाल जी, अभी नवनिर्वाचित चेयरमैन मटौर आदरणीय सुधीर सिंह जी, कुशल संचालन कर रहे मंडल के महामंत्री अंकित सिंह जी, योगेंद्र जी, सुभाष गुप्ता जी, आशीष जी, उसमें बाधा को भी हिस्सेदारी मिली है। हमारी तिलवाड़ी दोनों तिलवाड़ी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आते केंद्र में कांग्रेस की साथ में किसके गठबंधन में सरकारें रही, वो केवल इटावा और सफाई देखते थे, वो केवल अम्बेडकर नगर देखते थे, ऐसे उनके एजेंडे रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बुंदेलखंड पिछड़ गया है, बांदा पिछड़ गया है, तो बांदा को कैसे डेवलपमेंट करना है उन्होंने करके धरातल में दिखाया है और निरंतर प्रगति को जो
कार्य चल रहा है। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझको आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहता है कि समाज के प्रत्येक कार्य अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम इसी तरह उत्तर प्रदेश की छोटी से लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।